नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे हम हकलाते क्यों हैं और इसे कैसे ठीक करें। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, हवाई सफर के बाद आपको जेट लैग क्यों होता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे खौलते तेल में खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए। दीप 19 साल के हैं, दरभंगा के रहने वाले हैं। उनका हमें मेल आया। दीप ने बताया कि उन्हें बचपन से ही हकलाने की आदत है। स्कूल में सारे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। हकलाने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो गया। क्लास में अगर उनसे कोई सवाल पूछा जाता था तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते थे। उनको जवाब पता होता था पर लोगों के सामने बोलने से डरते थे। नतीजा, वो इतने ज़्यादा घबरा जाते थे कि और ज़्यादा हकलाने लगते थे। कॉलेज में भी वही हाल रहा। अब दीप नौकरी ढूंढ रहे हैं। उन्हें डर है कि उनके हकलाने की वजह से उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। दीप चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें, एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स से इसका तोड़ पूछें। और सिर्फ दीप ही नहीं, हकलाने की दिक्कत को लेकर हमें पिछले कुछ महीनों से कई मेल्स आ चुके हैं। तो चलिए आज बात करते हैं हकलाने के बारे में। एक्सपर्ट से जानते हैं कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब, जैसे हम हकलाते क्यों हैं। अब अगर आपका बच्चा हकला रहा है तो माँ बाप को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या ठीक हो सकता है ये, चलिए पता करते हैं। स्टैमरिंग यानी हकलाना एक बहुत ही कॉमन भाषा के प्रयोग यानी स्पीच की दिक्कत है, स्पीच की प्रॉब्लम है। जहाँ की स्टैमरिंग में एक ही शब्द को या एक साउंड को लंबे समय तक खींचा जाता है। अगर बात करें कि ये कितने लोगों को होता है स्टैमरिंग, 1000 में एक लोग में ये पाया जाता है। ज्यादातर बचपन में ही हो जाता है और इसमें से अधिकांश बच्चे इसे ओवरकम भी कर लेते हैं। लगभग 3 में से 2 बच्चे बड़े होते होते स्टैमरिंग जैसी प्रॉब्लम को खुद ही ओवरकम कर लेते हैं। इसके मुख्यतः 2 टाइप्स होते हैं स्टैमरिंग के। पहला टाइप है डेवलपमेंटल स्टैमरिंग, जो कि बचपन में होती है, यानी डेवलपमेंटल पीरियड में होती है। स्पीच आने का समय लगभग 2 से 3, 3.5 साल का टाइम होता है और इसी बीच ये मैनिफेस्ट करता है। जो दूसरा टाइप है स्टैमरिंग का, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड या लेट ऑनसेट स्टैमरिंग। ये बड़ों में होता है और इसके कारण पता लगाए जा सकते हैं, जैसे कि या तो ये होता है ब्रेन में क्षति पहुंचने से, जैसे हेड इंजरी या फिर स्ट्रोक, या फिर कोई ऐसी बीमारी जो दिमाग में चल रही हो जिससे ब्रेन सेल्स डैमेज हो रहे हो धीरे धीरे। और एक कारण होता है इसका साइकोजेनिक, यानी कि किसी बहुत बड़ी ट्रॉमा से इमोशनल डिस्ट्रेस से भी हकलाना आ जाता है। जहां पर कि लेट ऑनसेट या फिर एक्वायर्ड स्टैमरिंग के कारण ऑब्वियस होते हैं, पता चल जाते हैं, वहीं डेवलपमेंटल स्टैमरिंग का कारण, यानी जब भी बचपन में होता है तो हमें अभी तक पता नहीं अच्छे से। इसका बहुत बड़ा सबूत हमें मिलता है कि शायद ये अनुवांशिक भी हो सकता है, यानी जेनेटिक भी हो सकता है, क्योंकि 3 में से 2 लोगों में फैमिली हिस्ट्री पाई जाती है स्टैमरिंग की। हकलाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, वो डॉक्टर साहब ने बता दिए। अब बात करते हैं कि अगर किसी को बचपन से ही हकलाने की आदत है तो माँ बाप को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर उनका बच्चा हकला रहा है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सबसे जरूरी इसका इलाज क्या है। अगर किसी को एक बार हो गया तो पेरेंट्स का रेस्पॉन्स या पेरेंट्स की प्रतिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बड़ी ये या तो बच्चे की स्टैमरिंग को ठीक कर सकती है और इस बात की भी संभावना है कि पेरेंट्स के जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो उस चीज को रेस्पॉन्ड करते हैं, उसकी वजह से ये बड़े काफी समय तक बढ़ भी सकता है। सो पेरेंट्स को क्या क्या नहीं करना चाहिए। एक तो ये कि जब बच्चा हकला रहा है, कोई चीज बोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसको सेंटेंस को पूरा करने की कोशिश ना करें। उस समय उसे टाइम दे खुद से ही पूरा करने की, उसे उस बात के लिए क्रिटिसाइज ना करें, उसकी मजाक ना बनाए, उसे घूरे ना उस समय पे बहुत ज्यादा। इंटरेस्ट शो करें अपनी भावनाओं से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, जो बच्चा बोल रहा है उसमें इंटरेस्ट शो करें, और बहुत ज्यादा उसको लगातार आई कॉन्टैक्ट ना देते रहें। हल्का उसमें एक
एम्बैक बच्चा इस चीज से झेप ना जाए कि उसे बहुत ज्यादा घूरा जा रहा है। तीसरा चीज ये कि ओवरऑल पेरेंट्स को यानी कि माँ बाप को काफी रिलैक्स रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चा अगर ये देखता है कि उसके हकलाने से पेरेंट्स जो है वो उत्तेजित हो रहे हैं तो वो भी डर जाता है। पहला चीज तो ये कि डायरेक्ट थेरेपी, अगर ये बचपन में है और परसिस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट डायरेक्ट बच्चे के साथ बात कर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ऐसी पद्धति है स्पीच थेरेपी में, ऐसी पद्धति है जिसमें स्टैमरिंग के लिए स्पेशलाइज तरीके हैं उसे ओवरकम करवाने के लिए। दूसरा चीज, अगर इसका कारण ब्रेन में क्षति पहुंचना है तो एक न्यूरोलॉजिस्ट के साथ मिलकर एक पूरी टीम जिसमें कि स्पीच पैथोलॉजिस्ट, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सब मिलकर ये निर्धारित करते हैं कि ब्रेन में किस एरिया में चोट लगी और कैसे ये स्टैमरिंग को हम ओवरकम करवा सकते हैं थेरेपी और दवाई के इलाज से। तीसरा, अगर ये साइकोजेनिक है, किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ है, किसी इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से हुआ है, तो ट्रॉमा फोकस थेरेपी जो कि साइकोलॉजिस्ट ट्रेंड होते हैं वो इसमें बहुत अच्छे से डील करते हैं। और चौथा है कि जो सेकेंडरी इफेक्ट्स है यानी कि जो बाद में हकलाने के बाद जो साइकोलॉजिकल मानसिक प्रतिक्रिया जनरेट होती है, जैसे डर, घबराहट, अपने बारे में नेगेटिव राय, इसको ट्रीट करने के करना भी बहुत जरूरी है। और वो सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू होता है, जिसमें कि पेशेंट को या क्लाइंट को इस बारे में अवगत किया जाता है कि वो कैसे अपनी एंजाइटी का ध्यान रखें बोलते समय, किसी जल्दबाजी में ना पड़े बोलते समय, और अपने बारे में जो नेगेटिव भावनाएं उनको पहचानें, उन थॉट्स को पहचानें और उनके ऊपर काम करें। कई बार सम्मोहन या फिर न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी हिप्नोसिस और न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी जैसी थेरेपीज भी बड़ों के साथ काफी कारगर पाई जाती हैं। चलिए, इलाज के बारे में भी हमने सुन लिया, अब जानते हैं एक स्पीच थेरेपिस्ट से कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो हकलाने से निपटने में काफी मददगार साबित हो सकती हैं। सबसे पहले तो जिन्हें भी स्टैमरिंग होता है उनको एक रिलैक्सेशन, रिलैक्स एनवायरनमेंट देना चाहिए। दूसरा, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग करने हैं, जैसे वोकल फोल्ड का एक्सरसाइज। वोकल फोल्ड में ये होता है कि आप माउथ को एक लंबी सांस लें, गहरी सांस लें, इस तरह से जितना लंबा आप बोल सकते हैं एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद वो बोल सकते हैं। फोनेशन ड्यूरेशन होता है कि आप किसी भी हिंदी स्वर को कितना ज्यादा ड्यूरेशन तक आप लंबा बोल सकते हैं, उसमें सारे हिंदी स्वर आ सकते हैं, अ आ ओ ई ऊ ए म, इस तरह के साउंड्स को आपको ज्यादा से ज्यादा ये करना है। और हमेशा अगर आप सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस को एक आता है जिसे हम बोलते हैं हैमर टेक्निक, हैमर टेक्निक यूज करना है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है तो आपको हैमर टेक्निक यूज करके ऐसे बताना है कि मेरा नाम राजीव है। जैसे मेरा नाम राजीव है तो मैं बोलता हूँ मेरा नाम राजीव है। तो ये हैमर टेक्निक से आप सेंटेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको स्टैमरिंग ज्यादा होता है तो सबसे पहले अपने ब्रीथ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। जहां भी आपको लगता है कि हम अटकने वाले हैं या हमारे पास वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, एक छोटा सा डीप ब्रीथ और फिर वर्ड्स को बोलना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको हकलाने की आदत है तो जरूरी है कि मदद के लिए आप एक स्पीच थेरेपिस्ट से मिले, आपको काफी फायदा होगा। जो टिप्स आपने सुनी है ये हकलाने से निपटने में बहुत कारगर साबित होंगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जेट लैग, अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक डिसऑर्डर है। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब हुआ नींद ना पाने की दिक्कत। ये उन लोगों को होती है जो अलग अलग टाइम जोन में ट्रैवल करते हैं। टाइम जोन यानी जैसे अगर यहाँ दोपहर का 1 बज रहा है तो किसी और देश में दोपहर का 4 बज रहा होगा, किसी और देश में सुबह के 6 बज रहे होंगे, या फिर कहीं रात हो रही होगी। कहने का मतलब है क्योंकि दुनिया गोल है इसलिए अलग अलग देशों में उनकी लोकेशन के हिसाब से अलग अलग समय हो रहा होता है।
अब अगर आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं या लंबे समय तक एक ऐसी जगह पर हैं जहां सुबह का समय है, पर आप सफर करके एक ऐसे देश जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे रात हो रही है, तो आपको जेट लैग हो सकता है, यानी आपको थोड़े समय तक नींद आने में परेशानी होगी। अब ऐसा क्यों होता है? पहली बात, ये किसी को भी हो सकता है। दूसरी बात, हम सबके एक इंटरनल बॉडी क्लॉक होती है, यानी एक घड़ी, एक ऐसी घड़ी जो हमारे शरीर के अंदर होती है, एक पैटर्न होता है जिसके हिसाब से आपका जो आपकी दिनचर्या है वो तय होती है। जैसे आपको किस समय नींद आने लगती है, किस समय आपकी नींद टूट जाती है, किस समय आपको भूख लगती है, पॉटी कब जाना होता है, वगैरह वगैरह। अब ये बॉडी क्लॉक सिंक में होती है उस जगह के, उस देश के जहाँ आप रहते हैं, उसके ही हिसाब से, उस जगह से नहीं जहाँ पर आप सफ़र करके गए होते हैं। अब जितने ज़्यादा टाइम जोन्स आप क्रॉस करते हैं, आपको जेट लैग भी उतना ही तगड़ा होता है, यानी जिस देश का टाइम आपके देश से एकदम अलग होगा, वहाँ आपका जो बॉडी क्लॉक है उसको एडजस्ट करने में समय लगेगा, परेशानी होगी। अब जेट लैग में आपको दिन भर थकान रहेगी, बीमार सा महसूस होगा, अलर्ट रहने में परेशानी होगी, पेट खराब रहेगा। अच्छी बात यह है कि कुछ समय बाद ये ठीक हो जाता है, समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। हम अक्सर खौलते हुए तेल में खाना बनाते हैं, पर एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तेल का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से पार चला जाता है और आप उस तेल में खाना बनाते हैं, तो खाने में मौजूद पोषण कम हो जाता है, खासतौर पर उस चीज में मौजूद विटामिन ई और अनसैचुरेटेड फैट्स। ये एक तरह का फैट होता है, पर आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, खासतौर पर दिल की बीमारी और कोलेस्ट्रॉल से लड़ने के लिए मदद करता है। इसलिए कोशिश करिए कि तेल जब 50-60% तक गर्म हो जाए तो उसमें सब्जियां डाल दीजिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं राशिद। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।